राजेंद्र बाबू अमर है, राजेंद्र बाबू अमर है, राजेंद्र बाबू अमर है। नीचे आगे रहे। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति हमारे जिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 139वीं जयंती है। इस जयंती के शुभ अवसर पर मैं समस्त देशवासियों, बिहारवासियों, जिलेवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देती हूं और यह कहना चाहती हूं कि जैसे राजेंद्र बाबू सादगी और त्याग के प्रतीक थे और स्वतंत्रता से संग्राम से लेकर चाहे वह बैरिस्टर के रूप में हो, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में हो, राष्ट्रपति के रूप में हो, उन्होंने अपने कार्यकाल को एक ऐसा उपयोग किया, उन्होंने और सभी जनमानस में यह भावना जगाई कि सादगी से रह कर अपने पद को कैसे सुशोभित किया जाता है और कैसे लोगों का कार्य किया जाता है। आज़ादी की लड़ाई गांधी और जवाहरलाल नेहरू से कम योगदान राजेंद्र बाबू का नहीं था, लेकिन पोरबंदर एक तरफ और इलाहाबाद का आनंद भवन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से विकसित है। राजेंद्र बाबू का जीरादेही अपनी बदहाली पर लगातार आंसू बहा रहा है, लोग 3 दिसंबर को आते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं। कहना चाहूँगी कि राजेंद्र बाबू सिर्फ जीरादेही के नहीं थे, पूरे बिहार के थे। अब जाइएगा बिहार का में जगह जगह, चाहे पूरे देश में जाइएगा तो राजेंद्र संग्रहालय से लेकर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर बड़े बड़े स्टेशनों का नाम है, चाहे अनेक उनके नाम पर बहुत सारे स्मारक बने हुए हैं और वहाँ जाते हैं हम लोग तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे राजेंद्र बाबू सिर्फ जीरादेही सिवान के नहीं थे बल्कि पूरे देश के थे और पूरा देश उन्हें मान सम्मान देता है। मैडम देश में तो मान सम्मान मिलता है, लेकिन जो जीरादेही की स्थिति बा, जीरादेही तो विश्व पटल पर भारत के पहचान दी वजह से, तो जीरादेही का कौन नाम भूल सकता है। आज आप किताबों में भी इतिहास के पन्नों में देखिए, आप नहीं नहीं ऐसा कौन कहता है, हमेशा हम लोग याद करते हैं जिनके भावना जैसी होती है वैसा सोचते हैं। हम लोग जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है या नहीं होता है, हम लोग राजेंद्र बाबू के आदर्शों पर चलते हैं और उनके पद चिन्हों पर चल के अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट महात्मा गांधी के नाम से, इनके नाम से, उनके नाम से, इनके नाम से क्या नहीं चलता, इनके नाम से क्या हुआ ये तो हमें न, मतलब मेरे राजेंद्र प्रसाद जी का नाम पूरे देश में है और आगे भी रहेगा और पूरे पोरबंदर और जवाहरलाल नेहरू के आनंद भवन की तर्ज पर इस जीरादेही का विकास क्यों नहीं हुआ। अभी सांसद है, पूर्व सांसद ने इस गाँव को गोद लिया था, ओम प्रकाश यादव ने, तमाम विधायक सांसद है, कोई इस दिशा में अभी तक कोई देखिए पहले की स्थिति और आज की स्थिति देखिए, पहले कितना यहाँ पे लोग आने में शर्म कर महसूस करते थे, आज देखिए यहाँ आते हैं तो वहाँ उनकी जो जन्मस्थली है वह बहुत पुरातत्विक विभाग लिया है और समय समय पर इसका निर्माण कराते रहता है, जो जिन अवस्था रहते हैं उसको सुचारू करते रहता है और भी जो कार्य होते हैं वो करते रहता है। मैडम आप सदन अपनी बात रखती हैं, सदन में एक से एक सवाल उठाती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत काफ़ी अथी हुई, बदलाव हुआ है, आपको जानकारी होगी, पहले कितना अभाव था, आज सभी स्टेशनों पर बहुत सारे कार्य हुए। के कोई अच्छा ट्रेन नहीं रुकती है यहाँ पे, और कोई घूमने आएगा तो सिवान से फिर वापस 15-20 किलोमीटर सिवान है, यहाँ से 15 किलोमीटर है। तो आप जानते हैं कि जनसंख्या के जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा आवागमन करती है वहाँ से सभी सफर करते हैं और यहाँ से कम करती है, तो इसलिए यहाँ पे कम करते हैं। देखिए हम लोगों का योगदान तो हमेशा रहा है, क्या रहेगा आगे, आगे की बात की जाए, जनता जो निर्णय लेगी उसके साथ रहेंगे, जनता के भावनाओं के अनुरूप ही हम लोग कार्य करते हैं। आज 3 दिसंबर है, आज राजेंद्र बाबू के जन्म जयंती के अवसर पर इस जीरादेही को कुछ नया देने वाली है। देखिए जीरादेही को तो हमने दिया ही है, जो जो जनता की भावनाएं थी, मांग थी, उसके अनुरूप कार्य भी किया है। जहाँ पे सड़क की मांग थी वहाँ पे सड़क, जहाँ गेट ये सब टूटा फूटा पड़ा था वो सब बना, तमाम घोषणाएं की, तमाम तरह के घोषणाएं यहाँ पर किए गए, लेकिन घोषणा पर आज तक काम नहीं हुआ। लिस्ट हो तो दीजिए जो घोषणा हुआ था। आप भी थे, आपकी माता? हम नहीं थे। और यहाँ पर हम नहीं थे।